Hello everyone, how are you today? Welcome to my class. Today we are going to discuss on 100 named reaction of organic chemistry. इस पार्ट में मैंने पार्ट वन और पार्ट टू आपका पहले क्लियर कर चुका हूं. पार्ट थ्री में बची हुई 50 नेम्ड रिएक्शन आपको कराने जा रहा हूं, जैसा कि व्यूअर ने मांग की है. आज की ये रिएक्शन जो है कैनिजारो रिएक्शन है और इसका नंबर है 51. आज से बची हुई नेम्ड रिएक्शन की भी आप स्टडी कर लीजिएगा. नीट और जीके सिलेबस में इसके बाहर कुछ भी नहीं आता है. ये रैपिड रिवीजन है तो मैं सारी चीजें इसमें नहीं सिखाऊंगा आपको, जल्दी जल्दी रिएक्शन को सिखाऊंगा. बस आपको नोट करना है और इसी तरीके से तैयार करना है. अगर आपको इसका डिटेल जानना है तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि नेम रिएक्शन की मैकेनिज्म मैंने सभी की दे रखी है, आप उसे अलग से वीडियो देख सकते हैं. तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. यह है हमारी कैनिजारो रिएक्शन. इसमें देखिए टू मॉलिक्यूल लेते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड के, HC OH. यह है हमारा फॉर्मल्डिहाइड. इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, ये भी है हमारा फॉर्मल्डिहाइड है. इन दोनों एल्डिहाइड की विशेष बात ये याद रखना है आपको कि इसमें दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. नो अल्फा हाइड्रोजन यानी ऐसा एल्डिहाइड और हम लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो. रिएक्ट कराएंगे किसकी प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग बेस. इसमें हम ले सकते हैं NaOH लो कंसंट्रेशन. बस ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसमें एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा. तो देखिए जो ऑक्सीडेशन, मान लीजिए अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो कंपाउंड क्या बनेंगे? पहला ये बनेगा HCOONa सोडियम फॉर्मेट यानी सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम फॉर्मेट. ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है और ये बनता है हमेशा फ्रॉम ऑक्सीडेशन. किससे बनेगा? ऑक्सीडेशन से बनेगा. और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3OH यानी मिथाइल एल्कोहल. ये रिडक्शन से बनता है. ये है इसका मेन सिंपल सी बात, किसी भी एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा. यानी एक का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन. ऑक्सीडेशन से सोडियम फॉर्मेट और रिडक्शन से मिथाइल एल्कोहल बनता है. ये रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होती है. ये है सिंपल सी कैनिजारो रिएक्शन. इसमें फॉर्मल्डिहाइड की जगह आप बेंजाल्डिहाइड भी ले सकते हैं, यानी ऐसा कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो. दैट्स ऑल, आप इसे नोट कर लीजिएगा. ये देखिए रिएक्शन नंबर 52, नाम है टिस्चेंको रिएक्शन, या इसका एक नाम और है स्यूडो
कहीं जा रो रिएक्शन। ये रिएक्शन के बारे में देखिए, इसमें हम एल्डिहाइड लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसी टाइप से दूसरा एक एल्डिहाइड और लेंगे सेम टाइप का, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये रिएक्शन एल्यूमिनियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, C2H5O का होल थ्राइस Al एल्यूमिनियम इथोक्साइड यानी बेस की प्रेजेंस में होती है। यहां पर कोई भी एल्डिहाइड आप ले सकते हैं, चाहे विदाउट अल्फा हाइड्रोजन हो या विद अल्फा हाइड्रोजन हो, तो इसमें से कोई भी एल्डिहाइड हम ले सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं ऑल एल्डिहाइड कैन पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इसका नाम है एसीटाल्डिहाइड। सेम ये वही है, रिएक्शन करेंगे तो एक पार्ट का ऑक्सीडेशन और दूसरे पार्ट का रिडक्शन होता है, तो एक एल्डिहाइड से बनेगा एसिड और दूसरे एल्डिहाइड से बनेगा एल्कोहल, और उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम उतने ही होंगे जितने इन दो एल्डिहाइड में हैं। तो देखिए ये बनेगा फर्स्ट, ये एसीटाल्डिहाइड है तो पहले एसिड में कन्वर्ट होगा CH3COOH प्लस दूसरा एल्कोहल में कन्वर्ट होगा CH3CH2OH। इसका नाम है एसिटिक एसिड, इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। देख लीजिएगा अब क्या होना है, आगे रिएक्शन फिर फॉरवर्ड होगी, ये कंबाइन होगी और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, OH यहां से निकलेगा और H इससे, बस इसको इससे जोड़ दीजिए तो ये एस्टर बन जाएगा CH3CO, उस O से जुड़ेगा, O से जुड़ा हुआ है CH2 एंड CH3 CH3COOC2H5 इसका नाम है इथाइल एसीटेट। ये एस्टर है, बस क्लियर। सबसे पहले एल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल ले लीजिए, इसमें कोई भी एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेगा विद अल्फा हाइड्रोजन और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, चाहे इसमें फॉर्मल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल ले लीजिए, चाहे बेंजाल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल ले लीजिए, एसीटाल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल ले लीजिए, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराना है, एल्यूमिनियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में। तो एसिड बनेगा यानी एसिटिक एसिड मिथाइल अल्कोहल, दोनों आपस में फिर से रिएक्शन करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बन जाएगा इथाइल एसीटेट। इस टाइप से आप इसकी कोई भी रिएक्शन बना सकते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये रही आपकी रिएक्शन नंबर 53, क्लेजन शिमिट रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में क्या क्या मैं लेता हूं, नोट करा रहा हूं। सबसे पहले मुझे लेना है बेंजाल्डिहाइड, नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी ऐसा कंपाउंड इसमें लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, प्लस दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं CH2
H C डबल बॉन्ड O और H यानी एसिटाल्डिहाइड और कीटोन भी इसमें ले सकते हैं। कैसा होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन, विद अल्फा हाइड्रोजन। ये हमारी इसमें रिएक्टेंट है बेंजाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड और ये रिएक्शन डाइल्यूट एक्वस NaOH की प्रेजेंस में होती है। ये रिएक्शन भी कंडेंसेशन रिएक्शन है ये भी आप इसको जान लीजिए कि रिएक्शन कैसी है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो इसमें इस एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल का कार्बन और इसका ये अल्फा कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। ये वाला जो H आप देख रहे हैं ये यहां पर चला जाएगा इस कार्बन के पास तो इसको से जुड़ जाएगा। तो देखिए कैसे जुड़ेगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि शॉर्टकट में ही बता रहा हूं ये बेंड जाएंगे, ये हो जाएगा सी एच, इस ओ से एच जुड़ जाएगा इस ओ से, तो ये हो जाएगा सी एच ओ एच जैसा कि कंडेंसेशन में होता है और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड ये सी एच टू और ये हो जाएगा सी एच ओ, डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये होगा अल्फा कार्बन और ये होगा बीटा कार्बन, इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है ये। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है इसे हीट करेंगे तो इसमें से यहां से OH और इसमें से H निकल जाता है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए ये बनेगा ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला सिंगल बॉन्ड CHO, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। यहां पर दिखा दीजिए ये माइनस एच टू ओ, इसका नाम होता है सिनेमाल डिहाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है तैयार कर लीजिए। इसका इस सिनेमाल डिहाइड का सिस पार्ट भी बनेगा और ट्रांस भी बनते हैं, दोनों बनेंगे लेकिन जो ट्रांस होता है वो मोर स्टेबल है, इसको विशेष रूप से तैयार कर लीजिए। ये कैसा एल्डिहाइड है इसको भी ध्यान रखो, ये अल्फा बीटा अन सैचुरेटेड एल्डिहाइड है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये है हमारी सिंपल सी क्लेजन शिमिट रिएक्शन, नोट कर लीजिए रिएक्शन नंबर 54, रिएक्शन का नाम है थॉर्प रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जानिए इसके बारे में। क्या इसमें लेंगे, सबसे पहले मैं ले रहा हूं देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे नाइट्राइल कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। ऐसा नाइट्राइल लेना है हमें इसमें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है और इसमें ये यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है। सेम इसी टाइप का दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, इसको देखिए ये होगा
सी एच टू, ऊपर यहां पर लगा रहा हूं मैं सी एच थ्री, और ये होगा सी ट्रिपल बॉन्ड एन। सेम टाइप का मॉलिक्यूल लिया है, इसमें ये अल्फा है, इसमें इस हाइड्रोजन को मैं नीचे जोड़ के दिखा रहा हूं, ऐसे देख लीजिए, ये रहा एच, तो ये अल्फा हो गया। ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से आगे जुड़ जाता है, और एक कार्बोनिल, जिस प्रकार के एल्डिहाइड और बेंजोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है, ऐसे इसमें साइनाइड ग्रुप का जो सीएन है, इस अल्फा कार्बन से जुड़ जाता है। इस तरीके से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये यहां पर चला जाएगा। बस पहला काम यहां पर इतना सा होना है। देखिए इसका नाम क्या है, सेम यही नाम है। ये रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में होती है आर टू एन नेगेटिव चार्ज लोन पेयर। बस अब आपको ये कंपाउंड को यहां पर बना देना है। ये कंपाउंड बनेगा आपका सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड एन एच, उसके बाद इसके बीच बॉन्ड लग जाएगा, तो ये बन जाएगा सी एच, ऊपर है सी एच थ्री, आगे सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसमें देखिए ये वाला जो कार्बन आप देख रहे हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है, इसलिए इसका नाम ऐसे देंगे हम बीटा इमीनो नाइट्राइल, बीटा इमीनो नाइट्राइल, ये बन गया। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम, क्या करेंगे इसका, इसका हमारा ये हाइड्रोलाइसिस होगा। बड़ा सिंपल, तो बस आपको हाइड्रोलाइसिस में होना क्या है कि NH यहां से निकल जाएगा और इसकी जगह O आ जाएगा और अमोनिया बाहर निकल जाएगा, यानी इसके साथ O आ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल का H2 है वो अमोनिया बनके निकल जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा NH3 और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। सेम वही कंपाउंड रहेगा, कोई ज्यादा चेंज इसमें नहीं है। देखिए ये बनेगा CH3, देखते हैं इसी को उतार रहा हूं CH2, C डबल बॉन्ड NH की जगह आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और आगे इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन गया आपका कंपाउंड। और इसका नाम जो होगा वो होगा, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा पर कीटो लगा है, तो इसको बोलेंगे बीटा कीटो नाइट्राइल, ये इसका प्रोडक्ट हो गया फाइनल। इस टाइप से सिंपल तरीके से बनाना, बस ये ध्यान रखना नाइट्राइल कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, इस टाइप का मॉलिक्यूल लेंगे, आर टू एन नेगेटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो यहां पर ये जो N है यहां पर एक्सेप्टर का काम करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा यहां से, और C के बीच बॉन्ड बन जाएगा। इस रिएक्शन को बोला जाता है सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ कंडेंसेशन, यानी सारी लैंग्वेज आपकी इसी में आ गई, आपको अलग से कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखिए रिएक्शन नंबर 55, इसका नाम है माइकल एडिशन। ये माइकल एडिशन में क्या होता है जरा देखिएगा, बड़ी सिंपल रिएक्शन है ये भी, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये है वाइलिन साइनाइड, आप लोग इसे विनाइल साइनाइड भी बोल सकते हो, इसे मेन नाम दे सकते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड।
ध्यान रखिए अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड इसके अंदर लेना है, चाहे वो साइनाइड हो, चाहे एल्डिहाइड हो या कोई अदर कंपाउंड, लेकिन वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए, जिसमें मैंने लिया है विनाइल साइनाइड। ये एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, ओके। इसकी रिएक्शन हमें कराना है CH2 COO C2H5 COO C2H5। इसका नाम है डाई इथाइल मेलोनेट, ओके। लेकिन इसमें विशेष बात क्या है, यही कंपाउंड क्यों लिया है, तो हमें ऐसा कंपाउंड यहां पर लेना है जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जुड़ा हो, जिसमें जुड़ा हुआ है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, इसको लिख सकते हैं कंटेनिंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। हमें ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो, इसे एडेंडा के नाम से जाना जाता है, जुड़ने वाला। बस आपको क्या याद रखना है, ये मैं आपको बता देता हूं, इतनी सी ट्रिक के रूप में याद रखना, क्योंकि ये मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन आपको इसे बनाने में हेल्प मिलेगी। ये जो एच है ना, बस इसको आपको यहां पर पहुंचा देना है, यहां पर ये बॉन्ड, यहां से यहां, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बनेगा, बस इतना सा काम करना है। तो देखिए क्या बन जाएगा, रिएक्शन C2H5ONA की प्रेजेंस में होती है, और जो कंपाउंड बनेगा वो होगा, देखिए इसको लिखूंगा मैं यहां पर N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2AH यहां पर आ गया, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ABCH2, यहां पर ये रह जाएगा CH और CH से जुड़ जाएगा COO C2H5, और ये भी यहां जुड़ेगा COO C2H5। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, हर बार चेंज आएगा प्रोडक्ट में, बस आपको ये एडेंडा देख लेना है और ये आपको एक्सेप्टर देख लेना है कि इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो और ये वाला एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जिसके अंदर हो, ऐसा हमें कंपाउंड लेना है। सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए, इस तरीके से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है, ये कंपाउंड आपका आपको मिलेगा। इसी को बोलते हैं माइकल एडिशन, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देख लीजिए रिएक्शन नंबर 56 परकिन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या क्या लेते हैं और क्या प्रोडक्ट बनेगा, देख लीजिए सारा बोर्ड पर आपको दिखाई देगा। सबसे पहले इसमें हमें लेना है एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये रहा हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस, इसको लिख रहा हूं मैं, इस पर नाम भी लिखूंगा इसका, ये है बेंजाल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एक तो इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे हम, दूसरा ये कंपाउंड लेंगे CH3 COO CO CH3, ये है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक
एनहाइड्राइड कंटेनिंग, इस बात को जरूर याद रखिए, कंटेनिंग टू अल्फा हाइड्रोजन, यानी हमें एक चीज और याद रखना है, जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ये एलिफेटिक एनहाइड्राइड होना चाहिए, सो मैंने लिया है एलिफेटिक एनहाइड्राइड। नंबर एक तो ये एलिफेटिक एनहाइड्राइड होना चाहिए, उसमें दो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इस टाइप का हम ये कंपाउंड लेंगे, और दूसरा इधर एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसमें मैंने बेंजाइल एल्डिहाइड लिया गया है, ये भी कंडेंसेशन की रिएक्शन ही है, सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में होती है। कैसी रिएक्शन है, ये भी कंडेंसेशन है। कैसे होगा कंडेंसेशन, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना, ये कार्बोनिल का कार्बन ये अल्फा कार्बन के बीच बॉन्ड बनाएगा, बस ये ध्यान रखना है बस आपको, यहां पर बॉन्ड बनाना है आपको इस तरीके से। अब ये बॉन्ड कब और कैसे बनेगा इसको जरा समझ लीजिए, मैं यहां से हटा के तो आपको समझा रहा हूं। इसका CHH2 देखिए ध्यान से, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, ऐसे इसको सिंपल तरीके से सीखने की कोशिश कीजिएगा, इसको ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो और इसके इसके बीच में बॉन्ड बना दो, इन दोनों के बीच में, ओके, और यहां से बॉन्ड को ब्रेक करिएगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल में से H इधर जोड़ दो और OH इधर जोड़ दो, बस बढ़िया प्रोडक्ट आपका। तो ये जो बनेगा कंपाउंड, देखिए क्या बन रहा है, इस C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ये सिनेमिक एसिड बन गया, सिनेमिक एसिड, इसी को बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, और एक सिंपल एसिड बन जाएगा जो आपको ये दिखाई दे रहा है CH3COOH, क्या नाम है, ये एसिटिक एसिड है, बस ये दोनों ही प्रोडक्ट आपके मिलते हैं इसमें, बस इस चीज को याद रखना, ये कंडेंसेशन की रिएक्शन है, परकिंस रिएक्शन है, यहां पर ये कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल जो निकला हुआ है इसको आप ऐसे एडजस्ट करना सीख लीजिए, एक एच है और दूसरा OH है, तो डायरेक्ट मैंने रिएक्शन आपको बता दी है, ये बस जरूर याद रखना, इस क्वेश्चन को टू अल्फा हाइड्रोजन ऐसा एलिफेटिक एनहाइड्राइड आपको लेना है, तो बस इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये रिएक्शन नंबर है आपकी 57, मजा आ रहा होगा आपको करने में, क्योंकि ये रैपिड रिवीजन आपका हो रहा है, जल्दी जल्दी आपको रिएक्शन सीखना है, इन्हीं से क्वेश्चन आपका नीट और जीके पेपर में आने वाला है। कोरोना का कहर चल रहा है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, टीचर्स आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए ऑनलाइन टीचरों से आपको हेल्प लेना है, जो मैं आपकी कर रहा हूँ पूरी कोशिश, आप जितनी भी हेल्प मिलेगी आप मुझसे लेते रहिएगा। तो चलिए अब समझते हैं हम इंट्रा मॉलिक्यूलर परकिन रिएक्शन, इसमें क्या लेना है, देखिए ये रहा हमारा, ये बेंजीन है, CH2 CH2 CO CO CH2 CH2 C6H5, बड़ा कंपाउंड लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। ये है आपका एक एनहाइड्राइड, एरोमेटिक एनहाइड्राइड,
और इसमें ये ऑर्थो कंडीशन में यहां पर सी एच डबल बॉन्ड को एल्डिहाइड लगा हुआ है, बस एरोमेटिक एल्डिहाइड कंटेनिंग एनहाइड्राइड, यानी एल्डिहाइड भी इसमें है और एनहाइड्राइड, इसको कैसे लिखेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड कंटेनिंग एनहाइड्राइड ग्रुप, ये हमारी पूरी प्रोसेस, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड भी है और एक ही मॉलिक्यूल में आपका एनहाइड्राइड भी है, इसी को बोलते हैं हम इंट्रा मॉलिक्यूलर वर्किंग रिएक्शन। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको एनहाइड्राइड में देखिए, जिसमें मैंने पहले वाली रिएक्शन में जस्ट अभी 56 में बताया था, दो अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपल्सरी है, तो इसमें ये आपका कौन सा होगा अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा कार्बन, तो इसके जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये हाइड्रोजन नहीं, मैं इसे अलग तोड़ के बता देता हूं, ये हाइड्रोजन ठीक है, और इसका ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, ये निकालना है आपको ओके, और इनके बीच में बॉन्ड बना लेना है इन दोनों के बीच में बस, और ब्रेक कहां से करना है, यहां से करना है ब्रेक आप, जो मैंने अभी परकिन रिएक्शन में ब्रेक करना सिखाया था। तो जो वाटर मॉलिक्यूल को कैसे एडजस्ट करना है, इधर ओ है तो ये OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा, इस वाले पूरे पार्ट में ये H जुड़ जाएगा, इस वाले पार्ट में OH जुड़ जाएगा बस, और कंपाउंड बन जाएगा। ये रिएक्शन भी हमारी ही सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में होती है, ये कैसा है, ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो ये बॉन्ड बनेगा कार्बोनिल कार्बन का, अल्फा कार्बन से ये बॉन्ड बन जाएगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की एक और रिंग बन जाएगी हमारी, और इन दोनों के बीच में इस सीएच और सीएच के बीच में ये डबल बॉन्ड जैसा लगा रहेगा, तो देखिए कंपाउंड क्या बनेगा, मैं आपको बना के बता रहा हूं, ये बनेगा, ये देखिए, और ये यहां पर हो जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर बनेगा COOH, ये बन गया, ये जोड़ दिया मैंने इसको, इसके बीच में ये बॉन्ड लगा दिया, ये वाला बॉन्ड लग गया, तो ये 5 कार्बन की रिंग बन गई, इनके बीच में बॉन्ड लग जाएगा, और इसी COOH जैसा पहले से जुड़ा हुआ है, इसमें ये बॉन्ड जहां लगे हुए इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, प्लस ये क्या बन गया, ये वाला देख लीजिए C6H5CH2CH2 और COOH, ये दूसरा है, ये इसको बोलेंगे साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ये बन गया, एक सिंपल एसिड बन गया, ये एरोमेटिक एसिड बन गया, तो देखिए ये आपका कंपाउंड है, बड़ा सिंपल है, इंट्रा मॉलिक्यूलर वर्किंग रिएक्शन, बस आपको एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एनहाइड्राइड और एल्डिहाइड ग्रुप को लेना है और ये साइक्लिक कंपाउंड बना देना है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये रही आपकी रिएक्शन नंबर 58, नोबे नेजल रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन से है, चलिए इसके बारे में जानिए, हमें इसमें क्या लेना है, देखिए एल्डिहाइड
एल्डिहाइड लिया है अपन, लेकिन आप एल्डिहाइड और कीटोन में से कुछ भी ले सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटो नॉट कंटेनिंग एन अल्फा हाइड्रोजन, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, राइट। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर जो आप कौन लेंगे उसको देखिए, ये होगा CH2COOH, COOH इसको लिख लीजिए मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड में या इससे रिलेटेड कोई कंपाउंड लेना है तो ध्यान रखना चाहिए ये ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसके अंदर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो, कंटेनिंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, इसका ध्यान रखना है। कोई भी लीजिए लेकिन उसके अंदर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होना चाहिए। दोनों की आपस में रिएक्शन कराएंगे तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। पहले कैसी रिएक्शन होगी? कंडेंसेशन, और वीक बेस की प्रेजेंस में होती है। इसमें पिरिडीन लिया जाएगा। कैसी रिएक्शन है ये? कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन में आपको मालूम है ये कार्बोनिल का कार्बन यहां और ये अल्फा कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा। कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, ये एच जाकर के यहां से यहां जुड़ जाएगा। देखिए कैसा कंपाउंड आपको दिखेगा, उसको देखिएगा। C6H5CH नीचे ओ एच हो जाएगा, यानी इस ओ से ए एच जुड़ जाएगा, तो यहां पर हमारे पास बचेगा केवल सी एच, और इस सी एच से दोनों सी डबल ओ एच जोड़ दीजिए। ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, इस पर विशेष ध्यान देना है आपको। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को मैं आगे ले रहा हूं, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है इसे हीट करने पर, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा, OH यहां से आएगा और AH ये वाला निकल जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कंपाउंड इज देखिएगा ध्यान से ये बनेगा। CH डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड में ये दोनों COOH और ये COOH, ये कंपाउंड बन जाता है। ओके, इसका नाम क्या होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाई बेसिक एसिड, दो सी डबल ओ एच लगे हुए हैं। अब ये रिएक्शन और भी आगे होगी तो बड़ा सिंपल है, इसको मैं ऐसे ले रहा हूं, इसमें से इसका होगा डीकार्बोक्सीलेशन, डी कार्बोक्सीलेशन, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लिबरेट होगी? बस यहां से निकाल दीजिए, तो देखिए कंपाउंड बनने वाला है आपका ये वाला, C6H5CH डबल बॉन्ड ए सी और ए एच, सी एच सिंगल बॉन्ड ए सी डबल ओ एच, ये बन गया आपका सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड इसी को बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड।
ये बन गया। देखिए ये सिंपल सी रिएक्शन है, इस टाइप से आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद करके चले जाइएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए रिएक्शन नंबर 59 है और इसे बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। बहुत ही सिंपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद करने में भी बहुत आपको सिंपल लगेगी। देखिए इसमें क्या क्या चीज लेना है। मेन इसमें लेना है आपको बेंजाल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल, प्लस बेंजाल्डिहाइड के आपको टू मॉलिक्यूल लेना है, और ये रिएक्शन जो होती है वो होती है एल्कोहलिक एक्वास पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में। ये इसका कैटलिस्ट है, कह सकते हो कि स्पेशल कैटलिस्ट है, स्पेशल कैटलिस्ट किस रिएक्शन के लिए, बेंजोइन कंडेंसेशन के लिए ये स्पेशल कैटलिस्ट है। क्यों, एक और इसके अंदर बात है कि वेरी वीक बेस है, और इसमें एक और नई बात है कि वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। इतनी सारी बातें इसके अंदर है, एल्कोहली एक्वस पोटेशियम साइनाइड, एक स्पेशल कैटलिस्ट फॉर बेंजोइन कंडेंसेशन, वेरी वीक बेस है और साथ में वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। ये रिएक्शन कंडेंसेशन की रिएक्शन है। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, बेंजाल्डिहाइड है टू मॉलिक्यूल, बस आपको ये कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है। अब इसमें इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आपको बॉन्ड बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, बड़ा सिंपल है, जैसा हर बार आपको कंडेंसेशन में सिखाया है, C6H5CH, ये रहा CH, नीचे आ जाएगा O, और इस O से ये वाला H जुड़ जाएगा, और फिर CO, और इस CO से दूसरा फिनाइल रिंग जुड़ेगी, C6H5CHOH, CO C6H5 जोड़ दिया दोनों को, ये बन गया, इसी का नाम होता है बेंजोइन, इसी के आधार पर इसका नाम बेंजोइन कंडेंसेशन रखा गया है। सबसे सिंपल रिएक्शन आप देख रहे होंगे, याद करने में भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये रही आपकी रिएक्शन नंबर 60, मिक्स्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। ये भी रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके अंदर हमें क्या चीज याद रखना है जरा देखिएगा। ये रहा बेंजाल्डिहाइड, इसमें हम दो बेंजाल्डिहाइड लेंगे, नंबर वन और ये नंबर टू, दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे, यहां अटैच है CH3 और ये CH2, ये दो एल्डिहाइड लिए, रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक एक्वस पोटेशियम साइनाइड, जैसा बेंजोइन कंडेंसेशन में था। अब क्या होगा, अब ये ध्यान रखिए, इसमें दो एल्डिहाइड लिए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा दोनों एल्डिहाइड में कौन सा मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो जरा इसको देख ले, ये मोर रिएक्टिव है, क्यों है मोर रिएक्टिव, क्योंकि इसके अंदर माइनस आई ग्रुप है और माइनस आर ग्रुप भी है, तो ये मोर रिएक्टिव है।
अब इसमें प्लस आई ग्रुप है, यानी प्लस आई इफेक्ट मैं ग्रुप के रूप में लिख रहा हूं, अटैच है इसके अंदर CH3। तो ये कार्बोनिल कार्बन की रिएक्टिविटी को कम कर देता है प्लस आई ग्रुप की वजह से। तो ये कैसा हुआ, लेस रिएक्टिव हुआ। अब मोर रिएक्टिव की क्या बात होगी, अगर मोर रिएक्टिव ये है तो इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड जिसको ध्यान रखना विशेष इज कन्वर्टेड इंटू एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इंटू CO ग्रुप। एक तो ये बात याद रखना, इसमें एल्डिहाइड काय में कन्वर्ट होगा, CO में कन्वर्ट होगा, और इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO ग्रुप इज कन्वर्टेड इंटू CHOH, बस इतना याद रखना है आपको। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा इससे बनेगा जिसमें CHO CO में कन्वर्ट होगा, तो इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। इसको भी ध्यान रखना है, और इससे जो बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक जो मोर रिएक्टिव होगा उसमें न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो कार्बोनिल कार्बन पे होगा, इसमें ये CN है ना वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, सिंगल बॉन्ड CN इज इक्वल टू न्यूक्लियोफाइल जो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, बस इतना ही बताऊंगा इसमें। और डायरेक्ट देखिए सीधा बस इसमें कंडेंसेशन की रिएक्शन कर दीजिए तो देखिए ये बनेगा पहला प्रोडक्ट C6H5। ये देखिए ये CHO CO में कन्वर्ट हो रहा है यहां पर, तो इसको लिख दूंगा CH3 CO। अब ये वाला CHOH में कन्वर्ट, CO CHOH, और यहां पर एक जोड़ दीजिए CH3। ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया CHOH में और ये CO में कन्वर्ट हो गया, तो इसी को हम बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट है, इसी को आपको बनाना है। माइनर को बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बना के बताऊंगा। अब इसमें ये वाला अगर लेस रिएक्टिव है तो इसमें इसको भी मैं कन्वर्ट करूंगा, कैसे कन्वर्ट होगा देखिए। अब देखिए इसमें ये मोर रिएक्टिव था तो ये काय में कन्वर्ट हुआ था, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है, और ये लेस रिएक्टिव हो इसकी कंपैरिजन में तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CHO CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको दूसरी रिएक्शन अगर बनाए तो इसमें हम इसको काय में कन्वर्ट कर देंगे, सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट करेंगे, और इसको काय में कन्वर्ट कर देंगे CHOH में। दोनों को हमें बनाना है, लेकिन मोर मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। देखो इस टाइप से C6H5 CHOH C डबल बॉन्ड O CH3। ये देखिए अब इसमें ये वाला मैंने CO में कन्वर्ट किया, तो यहां पर ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है, ये कभी भी CO में कन्वर्ट नहीं होगा, जो कन्वर्ट हो रहा है उसे माइनर बोलेंगे। यानी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो कुल मिला के हमें मेजर प्रोडक्ट बना, हमें रिएक्शन दोनों ही बना दी, रिडक्शन भी बना दिया, ऑक्सीडेशन भी, दोनों का करके दिखा दिया, लेकिन राइट कौन सा माना जाएगा, जिसमें जिस एल्डिहाइड में प्लस आई और माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट है। रिएक्टिविटी आपको पहचानना आता है कि मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव को आपको काय में कन्वर्ट करना है, CHO को CO में कन्वर्ट करना है, बस बड़ी सिंपल सी बात है, और नीचे वाले प्रोडक्ट पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, माइनर प्रोडक्ट है। मेन कंपाउंड कौन सा हुआ, ये वाला। ओके बस इसको नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन आगे बढ़ते हैं।
हमारा पार्ट थ्री, इसमें 10 रिएक्शन है, इनको तैयार करिए। अगले दिन मैं आपको पार्ट फोर में बची हुई नेम रिएक्शन बताने वाला हूं। इस तरीके से आपके पास हो गई 60 नेम रिएक्शन, बहुत है, कंप्लीट बता हुआ 100 नेम रिएक्शन, जैसा भी आपने मांग की गई है, पूरी रिएक्शन एक एक करके देखते जाइएगा, तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको मैकेनिज्म समझना है तो अलग अलग वीडियो पड़े हुए हैं, उनको देखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट फोर विल बी कंटिन्यू।